अच्छा, तो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हिमाद्री, हिमाद्री ब्लॉगर्स। सो मैं आज आपके सामने ला हूँ मिक्सचर। हम लोग जो क्लास 10, 11, 12 और जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनको मिक्सचर में बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, और ठीक इस टाइप का आता है। हम लोग को क्या होता है कि मिक्सचर में ना बहुत समय लगता है करने में, और उसको हम लोग सब कर सकते हैं मिक्सचर का, मैथ जो भी है हम कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि एग्ज़ाम में एक समय रहता है, हम लोग तो उस समय में अंदर उसको कंप्लीट करना होता ना। तो आज मैं ऐसा आप लोग को ट्रिक्स दिखाऊंगा जो ट्रिक्स में आप लोग जस्ट देख के ही इसका आंसर कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। चलिए हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है कि इन विच रेशियो द वाटर मस्ट बी एडेड इन मिल्क ऑफ ₹10 पर लीटर बाई विच द कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम्स 8.5 पर लीटर। राइट, 8.5 पर लीटर, दिस इज रुपीज 8.5 पर लीटर। ओके, तो हम लोग को ये चार ऑप्शन दिया गया है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हम लोग का आता है, तो क्या होता है कि हम लोग इतना बड़ा लेंदी करके करते हैं, पेज भर के उसके बाद आंसर आता है। तो आज के बाद मैं बोलूँगा कि ये बहुत इजीली आप लोग का हो जाएगा, इतना इजीली। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर का अमाउंट हम लोग को नहीं दिया है, यहाँ पर दिया है कब का, मिल्क का दिया है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर मिल्क ये लिख देंगे, ये मिल्क, ठीक है। और जैसे और मिल्क और वाटर का रेशियो मांगा है, तो यहाँ पर मिल्क का लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आपका वाटर का, ठीक है। मिल्क का दिया है कितना, 10, और वाटर का कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अभी जो अमाउंट मतलब जो इसमें निकालने बोला है, वो बोला है आपका कितना क्रॉस प्राइस होगा आपका पर लीटर वाटर का। राइट, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 8.5 है इसको बीच में लिख देंगे। राइट, मतलब मिल्क और वाटर ये दोनों ही का है, हम लोग बराबर में साइड में लिखेंगे ऐसे, और जो निकालने बोला है लास्ट वाला जो ऑप्शंस होगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ऐसा त्रिकोण आ जाएगा। राइट, देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट रेशियो है, ये सेकंड रेशियो है, तो हम लोग को इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। अगर जी जो बड़ा है उसको आप छोटे से माइनस कर लीजिएगा। कैसे होगा, अगर मैं 0 को 8.50 से माइनस करूँगा तो कितना होगा, मेरा 8.5 ही होगा, ठीक है। और अगर 10 को मैं 8.5 से माइनस करूँगा तो क्या होगा आपका, 1.50, ये आ गया आपका मेन रेशियो। बस ये अगर निकल गया तो आप लोग का आंसर भी चला गया। कैसे मैं दिख लेता हूँ, 8.50:1.50। राइट, तो अगर मैं इसको रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 850/100:150, यहाँ पर जो पॉइंट है उसको मैं उठा के यहाँ पर 100 लिख दूंगा। तो साइड में 100 तो डिवाइड हो गया, 0 to 0 डिवाइड हो गया, अगर 85 और 15 बच गया, इसका मतलब हम लोग को इससे भी कम करना पड़ेगा, तो हम लोग को इस रेशियो मैच करना पड़ेगा। तो देखिए इस शायद इसको 5 से डिवाइड होगा, अगर मैं 5 से 15 को काटूंगा तो 3 होगा, और 5 से 180 और सॉरी 85 काटेंगे तो होगा 17। देखिए आपका 17:3, थ्री नंबर आंसर इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो समझ में आ गया आपको कि मिक्सचर का मैच मैच जो होता है हम लोग करते हैं बहुत से लिख के करते हैं। इसके बाद मैं बोलूँगा आपको, देख के ही आपको आइडिया आ जाएगा कि मेरा आंसर क्या होगा। बस अब पॉइंट को क्लिक कीजिए और अपना क्वेश्चन आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए मैंने फर्स्ट लूप क्या किया, मिल्क का है दिया हुआ है, मैंने मिल्क और वाटर का रेशियो बराबर से लिख दिया। मिल्क का बोला है 10, मैंने 10 लिख दिया, लेकिन वाटर का कुछ नहीं बोला है, इसलिए हम लोग ने 0 लिया। अभी हमने क्या किया, जो हम लोग को लास्ट वाला जो पॉइंट से हमको उसको मिला के हम लोग को लास्ट का जो रेशियो है वो मुझे हम लोग को चाहिए कि कितना हम लोग का विद रेशियो ऑफ द वाटर मस्ट बी एडेड, मतलब हम लोग को कितना वाटर चाहिए मिक्स कर करने के में। तो मिक्स और इसको बराबर से लिख लेते हैं, इसको क्रॉस करेंगे हम लोग, तो हम लोग ने क्रॉसिंग किया, फिर
ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से माइनस करके यहाँ लिख दिया, ये वाला ऐसे आ गया और इसको ये वाला ऐसे आ गया। तो ये हो गया आपका 8.50, ये हो गया आपका 1.50, बस यही आपका रेशियो बन गया। तो इसको आप लोग डिविशन करके लास्ट वाला जो ये है ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शायद आपको और भी अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग का अभी क्या है देखिए, ये भी थोड़ा पहले जैसा ही है, थोड़ा सा अलग टाइप का। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में ये दिया गया है कि व्हाट मस्ट द रेशियो ऑफ टू टाइप्स ऑफ राइस ऑफ 6.20 पर केजी एंड 8.20 पर केजी। तो दो राइस है हम लोग के पास, अलग अलग प्राइस मतलब पर केजी हिसाब से। ठीक है, सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर बिकम 7.20 पर केजी। तो हम लोग को इस मिक्सचर में कैसा हम लोग को एक अमाउंट चाहिए, मतलब रेशियो क्या चाहिए कि इसमें हम लोग वो दो टाइप का मिक्सचर इसमें एक में ला सके, मैं 7.20 में। तो ये जो मैथ है ये एकदम प्रीवियस मैथ जैसा ही है। ठीक है, तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। टू टाइप्स ऑफ राइस है तो मैं काम करता हूँ, अपना पहला जो राइस है उसको मैं ए मानता हूँ और सेकंड वाला जो राइस है मैं इसको बी मानता हूँ। ठीक है, ए राइस एंड बी राइस। ए राइस का आपका कितना पर के जी, 6.20, और ये वाला जो है आपका 8.20। यहां तक आपको कोई शायद समस्या नहीं आएगा। सो आप लोग को ऐसा कौन सा प्राइस चाहिए जिसमें मिक्सचर करने में आपको 7.20 पर केजी हिसाब से आएगा, राइट? तो सेम ट्रिक्स सेम चीज, वो जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसको आप बीच में लिख दीजिए 7.20। ठीक है, ये लिख दीजिए ऐसे, इसको इससे माइनस करके यहां लिख दीजिए, इसको इसको माइनस करके यहां लिख दीजिए। मैंने आपको बोला कि जो बड़ा होगा उससे छोटा वाला मैंने माइनस कीजिएगा, तो आपको इसका माइनस कितना आएगा आपको 1.00, और अगर इसको माइनस करेंगे तो लगेगा आपका 1.00। तो आपका रेशियो हो गया आपका 1:1, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। वेरी सिंपल, अगर मैं आपको ऐसे ही मतलब एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना घर में बैठ के, और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं होमवर्क दूंगा, क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, तो जस्ट आप देख के ही समझ जाएंगे। आपको इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, 1 आ गया, फिर इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, फिर इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, आपका 1 आ गया, तो इनका रेशियो 1:1 आ गया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अभी क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि कौन सा वाला आंसर इसमें होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों डाइस है, दोनों डाइस को ए वन और बी में समझ लिया। इस वाला जो केजी है मैंने लिख दिया, बी राइस का जो पर केजी है मैंने वो लिखा, मैंने 7:20 पर केजी को लाने में मैंने इसको बीच में लिख दिया। ए क्रॉस जाके इसको माइनस होगा, छोटा बड़ा वाला से छोटा सा वाला माइनस होगा, और बी का क्या होगा, बड़े से छोटा वाला माइनस होगा, फिर 1 आ गया। तो आपका 1:1 रेशियो यही है आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए हम इस टाइप से छोड़ के थोड़ा सा और टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मैंने जो आपको 1 और 2, ये दो क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है, अभी ना प्रैक्टिस कराया है, अभी थोड़ा ये अलग है, राइट? अभी ये उसमें क्या हो रहा है कि आपको माइनस वगैरह करना पड़ा, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये जो मिक्सचर है ना, आपको ये देख के ही करना आ जाएगा, मतलब आप जस्ट आपको एक सेकेंड भी नहीं लगेगा इसको करने में। देखिए मैं इसको वैसे कैलकुलेट नहीं करूंगा। देखिए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेकर क्या दिया है आपको, इन अ 60 लीटर ऑफ मिक्सचर एसिड एंड वाटर रेशियो 7:3, इन दिस मिक्सचर व्हाट इज द बिकम द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर रेशियो 3:7। मतलब हम लोग को ये समझना है, अगर किसी मिक्सचर का लीटर दिया हुआ है और उसका एक रेशियो क्या बोल रहा है कि 7:3 है, और बाद में हम लोग को ऐसा कुछ मिक्स करना है उसमें जिसको रेशियो मतलब इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 7:3 और यहाँ पर 3:7 हो जाएगा, तो ये तो बहुत ही मतलब आप लोग को लगेगा कि बहुत ही हार्ड है, कैसे करेंगे, मैं आपको बोलूंगा कि एक सेकंड में आप कर सकते हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों में से सबसे छोटा संख्या कौन है, 3 है, राइट? तो हम लोग वो 3 को
ये जो तीन है ठीक है, इसको हम एक 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा आपका, 20, 20 हो गया आपका राइट। अभी इसको क्या करेंगे, देखिए ये दोनों रेशियो में अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 7 माइनस 3 4, इसमें भी 7 माइनस 3 4, तो यही जो 20 मिला आपको ठीक है, ये 20 को हम लोग क्या करेंगे वो ही 4 से गुना कर देंगे, तो हो गया आपका 80। यार यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। समझ में आपको मैं कैसे किया, देखिए एक रेशियो में अगर कुछ मिक्सर जो भी बोला होगा हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे यहाँ पर रेशियो जो है कैसे दिया है, अगर इसका ही उल्टा ये मांग रहा है तो उस समय सबसे छोटा वाला संख्या हम लोग लेंगे और उसको वही मेन जो मिक्सचर है उससे डिवाइड करेंगे, ऐसे हम लोग को 20 आया, और 20 को फिर क्या करेंगे यही दोनों रेशियो में डिफरेंस आ रहा है आपका 4, उस 4 को हम लोग 20 से गुना कर देंगे, आपको आ गया 80। देखिए कितना इजी है इसके, अगर यही चीज अगर मैं आपको बोलूं, अगर यही चीज मैं आपको चेंज कर दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 60 की जगह में, अगर मैं यहाँ पर 60 की जगह में 80 लिख दूं तो क्या होगा, 60 की जगह 80 लिख दिया, और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं आपका चेंज कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए 5:4 कर दिया, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने चेंज करके 4:5 कर दिया, 4:5 राइट, तो ये भी सेम है, सबसे छोटा सा कौन है 4, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को 80 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया आपका 20, 4 × 4 को 80 से डिवाइड करेंगे 20 आ गया, और इनका डिफरेंस कितना है 1, 5 माइनस 4 1, तो × 1 का 20 आ रहा है ना, तो यही हो गया आपका आंसर। आपको देखिए आपको मतलब देख के ही समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, आपको इतना प्रैक्टिस में जरूरत ही नहीं है, बस क्वेश्चन पेपर देखिए आंसर लिखिए और आगे बढ़िए। सो फोर नंबर क्वेश्चन, ओके सो देखिए मैंने मिक्सचर का आप लोग को 4 टाइप का ही दिखा रहा हूं, जिसमें आप लोग का यही एग्जाम में आता है और यही आप लोग का फ्यूचर में मतलब काम आएगा, अभी मैं आज आपको बेसिक्स वाला किया, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एडवांस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि इन अ 70 kg ऑफ मिक्सचर राइस एंड व्हीट रेशियो 5:2, इन दिस मिक्सचर व्हाट केजी ऑफ व्हीट बिकम्स द रेशियो इज 2:1। इसमें आप लोग को टाइम लगता है कि 10 मिनट या 5 मिनट के ऊपर लगता है समय में, आज के बाद आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन से दिखने में ही आपको करने में आ जाएगा, विश्वास नहीं हो रहा, चलिए देख लेते हैं। अगर 70 kg मिक्सचर बोला है राइस और व्हीट में, मतलब 5:2 बोला गया है, मतलब इस 70 kg के अंदर 5 रेशियो राइस है और 2:2 आपका व्हीट है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा कि राइस कितना है और व्हीट कितना है, तो 5 और 2 को हम लोग प्लस करेंगे तो आपका हो गया 7, इस 7 को हम लोग इस 70 से डिवाइड करेंगे, आ गया आपका 10, तो यही 10 को अगर हम लोग राइस और व्हीट का रेशियो से गुना करेंगे तो हम लोग को आ गया आपका 50:20, आ गया हम लोग का, हम लोग को मिक्सर कितना क्या चाहिए, 2:1 आपका हम लोग का मिक्सर हम लोग का मांगा गया है, तो 2:1 आ गया यहाँ पर हम लोग का, उसके बाद हम लोग इसमें माइनस करेंगे, देखिए फिर हमने बोला कि इसमें क्रॉस गुण करना पड़ेगा, इसमें क्रॉस करना पड़ेगा, तो 50:1 आ गया आपका 50, 22 आ गया आपका 40 ठीक है, तो इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो 5, 50 माइनस 40 आपका आ गया यहाँ पर 10। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक्स है, अगर मान लीजिए आपको व्हीट व्हीट मांगा गया है ना, तो इस मिक्सचर में व्हीट कौन सा है आपका, सेकंड वाला है, क्यों, क्योंकि राइस एंड व्हीट का रेशियो आपका राइस पहले है व्हीट बाद में है, अगर इस मिक्सचर में राइस और व्हीट का रेशियो 5:2 होगा तो इसमें 2:1 मतलब 1 वाला है आपका व्हीट, अगर मैं 1 वाला मतलब मुझे व्हाइट व्हीट मांगा गया है ना, अगर मैं व्हीट को छोड़ के अगर मैं राइस को यहां से डिवाइड करूंगा 2 से तो मेरा आंसर आएगा 5, तो अगर हम इसमें 5 kg व्हीट मिलाएंगे तो
तो हम लोग का रेशियो 2:1 आ गया, यही है आपका आंसर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ये आपको, अगर 70 kg मिक्सर में राइस और व्हीट का रेशियो अगर 5:2 आता है तो हम लोग उसमें कितना व्हाइट व्हीट मिसाएंगे जिसमें आपका रेशियो 2:1 आएगा। पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा राइस और व्हीट इस मिक्सचर में कितना है, वो हम लोग का मिल गया आपका 50 और 20 है। इस रेशियो को कंपेयर मैंने किया 2:1 से, 20 को 2 से दिया गुण किया 40 हुआ, 50 को 1 से गुण किया 50 हुआ, इसको माइनस किया 10 निकला, राइट। फिर हमने क्या किया, हम लोग को व्हीट मांगा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे व्हीट को छोड़ के बाकी जो है राइस, राइस को इसको डिवाइड करें, राइस का रेशियो कितना है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ गया 5, और यही है आपका आंसर, ठीक है। तो मैं ऐसे ही आप लोग का बहुत ही मतलब आसान तरीके से आप लोग को ये जो मैथ्स है, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सारा बहुत सारा मैथ्स आएगा, तो आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट्स कीजिए। अगर आपको समझ में कौन सा पार्ट में नहीं आ रहा तो मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिमाद्री ब्लॉगर्स एंड जय हिंद।